हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सारिका साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। सो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन फॉर प्रूफ स्पिरिट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप प्रूफ स्पिरिट्स के लास्ट क्लास में हमने जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने क्यों हम प्रूफ स्पिरिट यूज़ करते हैं फॉर एक्सरसाइज पर्पज, ये सारी चीज़ों को हमने डील कर चुका है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको एक बार हम फिर से रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, 57.1% वॉल्यूम और वॉल्यूम अल्कोहल जो है हमने 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट माना था। ठीक है, और तो वन वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 1.753। ठीक है, अब ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ हम देख लेते हैं। सो प्रूफ स्पिरिट इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एन एब्सोल्यूट अल्कोहल। ओके, सो एज पर इंडिया 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन इज 100 प्रूफ। ओके, तो अब इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं फॉर एक्साइज पर्पज। ठीक है, ए जो पॉइंट है ये देखते हैं हम, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल जो है 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट होता है। ठीक है, तो अगर वन का देखें तो 1.753 जो है वो हम एक वॉल्यूम का होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारा ओवर प्रूफ है तो वो जो हमारा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में होगा, और अगर अंडर प्रूफ है तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल अबव अ प्रूफ स्पिरिट प्रूफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ओवर प्रूफ, एंड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बिलो अ प्रूफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड अंडर प्रूफ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, 10-30% ओवर प्रूफ मीन्स दैट 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अल्कोहल सॉल्यूशन आर इक्वल टू 100+30 गिव 130 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। ओके, सिमिलरली 35 अगर अंडर प्रूफ मीन्स 100-35 इक्वल्स टू 65 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इसके जो प्रूफ स्पिरिट्स के जो क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैलकुलेट द प्रूफ स्पिरिट स्ट्रेंथ। ठीक है, कैलकुलेट द प्रूफ स्ट्रेंथ 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट जो है हम देखेंगे कितना, देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा था कि 1% अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल का वैल्यू कितना होता है 1.753। ठीक है, तो हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं 1% अल्कोहल। ठीक है, 1% अल्कोहल इक्वल्स टू 1.753 प्रूफ स्पिरिट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो 65% अल्कोहल गिव्स 1.753 इंटू 65। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 113.75 प्रूफ। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जो आंसर आएगा 103.75 प्रूफ स्पिरिट। ठीक है, कितना 65। ठीक है, अब सेम एज इट इज हम प्रूफ स्पिरिट अब निकालते हैं इसका जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर प्रूफ स्ट्रेंथ
प्रूफ स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, अब हम निकालते हैं प्रूफ स्ट्रेंथ 0.75, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 65, ठीक है डिग्री, ठीक है। अब इसको हम माइनस 13.75 डिग्री, ठीक है ये आ गया, ठीक है। तो देखिए ये 57.1 से कम है ये, ठीक है। तो कम है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, अंडर प्रूफ, ठीक है। सेम एज इट इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेम इसकी टाइप सेम ही लिखेंगे, ठीक है। 1% अल्कोहल 1.753, ठीक है। सो 35% अल्कोहल गिव्स 1.753 इंटू 35 गिव्स, इसमें इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर आता है 61.75। हम कैलकुलेट करते हैं ये हो जाएगा हमारा 61.75, ठीक है प्रूफ, ठीक है 61.25 प्रूफ, ठीक है ये आ गया हमारा। अब हम इसको सेम जैसे हमने उसमें कैलकुलेट किया था, ठीक है, प्रूफ स्ट्रेंथ निकालने के लिए माइनस 38.75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 38 जो है वो 57 से कम है, ठीक है, तो ये भी हमारा अंडर प्रूफ ही होगा, ठीक है। 67 पे हमारा अंडर प्रूफ ही होगा, ओके। और देखिए इसमें जो देखिए ये 103.75 था ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 61.25 है, ठीक है। तो ये जो 100 है, ठीक है, जब भी माइनस करते हैं तो बड़े की साइन आती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ जो है साइन जो है वो आपका माइनस का साइन आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर प्रूफ, ठीक है। रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अंडर प्रूफ, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल विच इज 90% वेट बाय वॉल्यूम एंड 30% सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ओके। तो दैट इज द क्वेश्चन, ओके, टू फाइंड आउट द प्रूफ स्ट्रेंथ, ओके। तो हमने लास्ट इसमें पढ़ा ही है, ठीक है। अभी हमने सॉल्व किया कि 1% अल्कोहल की वैल्यू कितनी थी, 1.753 प्रूफ स्पिरिट, ओके। तो फिर से हम वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए 90% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, 90% वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू 90 इंटू 1.753 गिव्स, ये आपका हो जाएगा कैलकुलेट करने से 157.7, ठीक है 77, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया, ठीक है। अब हम इसमें डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो द प्रूफ स्ट्रेंथ ठीक है, अब जब प्रूफ स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो प्रूफ होता है, ठीक है, उसको हम 100 से डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रूफ स्ट्रेंथ था
57.77 माइनस 100 करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी ये जो हमारी वैल्यू आएगी 57.77 आ जाएगी, ठीक है, 57.77 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का निशान है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ओ पी, ठीक है, ओवर प्रूफ, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30, ठीक है, ओके। इसको हम जब आप सॉल्व करते हैं वी बाई वी, ओके, इक्वल्स टू 30 इंटू सेम प्रोसेस 157.77, ठीक है, 10.77 कर दिए, ठीक है, इससे इंटू करेंगे, देन अब इसका जो है वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 52.59, ओके, ये आ गया, ठीक है। अब हम द प्रूफ स्पीड कैसे चेक करते हैं, दस प्रूफ स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 52.59 माइनस 100, ओके। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डिडक्शन करने से, तो सॉल्व करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये जो हमारी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसका यहाँ पे साइन आते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 47.41 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा ओ पी, सॉरी अंडर प्रूफ, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद हम देखते हैं कि कन्वर्शन ऑफ प्रूफ स्ट्रेंथ इन द इनटू परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, प्रूफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट की, ठीक है, अभी हम परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी देखिए वहां पे जो 90% में दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट किया प्रूफ स्ट्रेंथ में, अभी हम प्रूफ स्ट्रेंथ दिया है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए अब देख लेते हैं कन्वर्शन ऑफ प्रूफ स्ट्रेंथ इनटू परसेंटेज स्ट्रेंथ, ओके। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द परसेंटेज स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग टू 40 डिग्री ओवर प्रूफ एंड 25 डिग्री ऑफ अंडर प्रूफ, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 40 डिग्री ओवर प्रूफ दिखा है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 40 डिग्री ओवर प्रूफ, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, हम लास्ट में जो परसेंटेज से प्रूफ स्ट्रेंथ में जब करते थे हम कन्वर्ट, ठीक है, तो उसमें जो जो स्टेप हम फॉलो करते थे उसी का ही स्टेप हमको यहाँ पे उसका यहाँ पे अपोजिट करना है, ओके। जैसे कि हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ पे हमको उसे डिवाइड करना है, ओके। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है, पहले हम 100+, देखिए यहाँ पे क्या है, ओपी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओपी का मतलब 100+ हो जाएगा, ठीक है, 40। इसके बाद हम क्या करते थे, डिवाइड उसमें इंटू करते थे और यहाँ पे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, देन फिर ये आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, देखिए यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला है ये आप ध्यान रखिए कि हमको 100+ करना है, अगर ये ओवर प्रूफ है तो हम ये प्लस करेंगे, अगर अंडर प्रूफ है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है, और जैसे कि उसमें हम 1% की वैल्यू 1.753 तो हमने इंटू किया था, ठीक है, अभी हम उनको डिवाइड करना है, ठीक है, इस लाइक यहाँ पे देख लीजिए 25 डिग्री अंडर प्रूफ यहाँ पे है, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 माइनस 25, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1.75
थ्री से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42.79% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके ये दोनों आंसर आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 55% ओवर प्रूफ एंड 45% अंडर प्रूफ, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वही हमको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। वही सेम फॉलो करना है, ठीक है। एक बार फिर से इसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। हमने 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमको हम कितना प्रूफ लेते थे, हम इसको ले देते 1.75 प्रूफ स्पीड, ठीक है, यही होता था, ठीक है। अब हमको परसेंटेज एक्स परसेंटेज के लिए चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा, ठीक है, तो ये हम करते हैं कैलकुलेट। तो हमको ये मिलेगा 155 अपॉन 1.75, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 88.57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको परसेंट निकालना था, ठीक है, तो उतना हमने देख लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो 45 के लिए अगर हम देखें, 45 डिग्री अंडर प्रूफ, ठीक है, इज 55 प्रूफ स्पिरिट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे 100 नहीं, 100 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये 155 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको अगर बोलें, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे 145, ठीक है, प्लस 100 करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लस 155 हो गया, और यहाँ पे हमने अंडर प्रूफ है ये, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 55, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही सेम प्रोसेस, 1% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टू 1.75, ओके। सो परसेंटेज हमको निकालना है, ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप बाद में आप इस मेथड से फॉलो कीजिए या इस मेथड, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। 55 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू 31.42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका एक आंसर आ गया, और एक ही, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप बनाइए या इस टाइप से, ठीक है, दोनों ही मेथड आपके राइट है, ठीक है। तो ये हमारे प्रूफ स्पिरिट्स के जो क्वेश्चन है ये एंड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को डील करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।